हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स लाइव के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और जिसमें जो फीचर्स आते हैं नॉइस कैंसिलेशन और भी बहुत सारे, वो कैसे वर्क करते हैं और क्या 2022 में ये आपके लिए लेना वर्थ इट है या नहीं। तो जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, सामने की तरफ आपको यहाँ पे एक केस मिलता है, ये सैमसंग की तरफ से आने वाला। और ये जो है मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर है जो मैंने ऑर्डर किया है। ये दो और कलर में आता है, वाइट और ब्लैक, बट मैंने ये कलर परचेज़ किया क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था। और इसमें आपको चार्जिंग केबल वगैरह मिलती हैं जो मैंने निकाल ली थी पहले। और इसमें दो विंग टिप्स मिलते हैं आपको इस तरह के कुछ। तो और जो केबल इसके अंदर मिलती है वो मैंने पहले यूज़ कर ली है, जो कि इस तरह की जो केबल मिलती है ये वाली टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो बात करते हैं आपने ईयरबड्स के बारे में कि ये ईयरबड्स कैसे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये देखने में काफ़ी ही सुंदर लगते हैं। सामने की तरफ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है, पीछे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। आपको सामने की तरफ यहाँ पे एक LED इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको केस की बैटरी बताएगा कि कितना चार्ज है। और अंदर की तरफ आपको यहाँ पे LED इंडिकेटर मिलता है जो कि आपको ईयरबड्स की बैटरी कैपेसिटी बताएगा कि कितना ये चार्ज है। और ईयरबड्स कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं आपको, और ये बीन्स शेप के हैं जैसे कि आप सभी को पता है। तो इसमें टोटल 6 माइक मिलते हैं, 3 ईच ईयरबड में। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिलता है इसका स्पीकर, यहाँ पे है वेयर डिटेक्टर सेंसर जो कि आप जब पहनते हो तो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे पहन रखा है। और यहाँ पे आपको एक इनर माइक भी मिलता है और ये चार्जिंग के लिए है। और यहाँ से आप इसके विंग टिप्स निकाल के अपने साइज़ के अकॉर्डिंग दूसरा लगा सकते हैं जो इसमें आपको बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो मेन बात करते हैं, ये सपोर्ट करता है ऐप को भी, इसका जो सैमसंग वेयरेबल ऐप आता है उसके थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके थ्रू इसमें आप कई सारे फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स ऐप है वो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, और मैं इसको अपने फ़ोन के साथ पेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डिवाइस स्पॉट नियर बाय, इसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंफर्म। और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इसका लेआउट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बर्ड्स और जो अपने केस हैं दोनों की चार्जिंग के बारे में बता जाएगा कितना वो चार्ज है, कितना परसेंट। तो हमारे बर्ड्स अभी 100% चार्ज है और जो केस है वो 34% चार्ज है। नॉइज़ कैंसिलेशन आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी जो है ईयरबड्स निकाल रखे हैं, अभी केस के अंदर ही है। तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, पुट इन बोथ ईयरबड्स फॉर एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। तो दोनों ईयरबड्स आपको पहनने पड़ेंगे तभी ये नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर इनेबल होगा। और यहाँ पर आपको इक्वलाइजर मिल जाता है जिसमें आपको सॉफ्ट, बेस बूस्ट, नॉर्मल, डायनमिक और क्लियर ट्रेबल, ये 6 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन मैंने सभी ट्राई किए हैं तो सबसे बेस्ट आपको नॉर्मल में ही आवाज़ देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं टच कंट्रोल्स की। तो टच कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर आप आएंगे तो अगर आप सिंगल टैप करते हैं तो ये प्ले पॉज का काम करेगा, और अगर डबल टैप करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक प्ले हो जाएगा और आप कॉल को आंसर और एंड भी कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक आपका प्ले होने लगेगा, और टच एंड होल्ड रखेंगे तो इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या फीचर इनेबल करना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टच एंड होल्ड के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप लेफ़्ट वाले, जैसे कि मैंने आपको देख सकते हैं लेफ़्ट वाले के लिए अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि टच और होल्ड करके रखें तो क्या हो, तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर वॉइस कमांड, या फिर वॉल्यूम डाउन। और ऐसा ही सिमिलरली राइट वाले में भी चूज़ कर सकते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, वॉइस कमांड एक्टिवेट करना यानी कि गूगल या फिर सिरी, और वॉल्यूम अप। तो ये आप टच एंड होल्ड में कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको टचेस ब्लॉक करने हो तो यहाँ से आप कर दीजिए, तो कोई भी टच फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा।
और अब आगे बात करते हैं, तो लैब्स में आपको कुछ ये फीचर मिलता है रिलीव प्रेशर विद एम्बिएंट साउंड। तो इसे आप प्ले करेंगे तो आपको ये हल्का सा एम्बिएंट साउंड प्ले करके सुनाएगा। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं जब भी आपको टेंशन और थकावट फील हो तो। और यहाँ पे फाइंड माई ईयरबड्स का भी ऑप्शन है। तो फ्रेंड जैसे कि मान लीजिए अगर ये मेरे ईयरबड्स कहीं आसपास मतलब मेरे फ़ोन से अगर कनेक्टेड है और अगर आसपास कहीं गुम हो जाए गिर जाए तो आप इसको इस फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं फाइंड माई ईयरबड्स। तो मैं इसको स्टार्ट टू प्ले करूँगा तो इसमें से आवाज़ें आने लगेंगी, आप सुन सकते हैं। मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आवाज़ प्ले करता है और आवाज़ आपको उसमें ठीक ठाक मिलेगी, मतलब आप सुन सकते हैं। अगर आपके किसी रूम में ही आसपास गिर गया है और आपको नहीं मिल रहा है तो इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट फीचर है वो जनरल, तो इस जनरल में आने के बाद आप इसको रीसेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। और बात करें नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पे ईयरबड सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, यहाँ से आप अपने ईयरबड्स की सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वही अपना टिप्स जो आपको बताएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, कुछ ये टिप्स एंड यूज़र मैनुअल है और अबाउट ईयरबड्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके नॉइज़ कैंसिलेशन की, नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और नॉइज़ कैंसिलेशन अगर आपको चाहिए तो ये आप बिल्कुल मत लीजिए, उस तरह का ये बिल्कुल वर्क नहीं करता। और रही बात ऑडियो क्वालिटी की, तो फ्रेंड्स ऑडियो क्वालिटी आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार है, मतलब चाहे बेस हो चाहे ट्रेबल हो चाहे मिड्स हो सारे बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं है। आवाज़ आपको फुल वॉल्यूम पे भी फटती नहीं है और एकदम क्लियर आवाज़ आती है। और रही बात टच की, तो फ्रेंड्स टच इसके सही वर्क करते हैं, बट जब आप मान लीजिए इनको इनमें से कोई भी एक अपने कवरों में से निकालेंगे तो जो है आपका गाना पॉज नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेयर डिटेक्शन फीचर है वो तब वर्क करता है जब आप दोनों इसको अपने कवरों में से निकालते हैं। जब दोनों आप अपने कवरों में से निकालेंगे तब ही जाके जो गाना है वो पॉज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब दोबारा लगाएंगे तब भी प्ले अपने आप नहीं होता, आपको करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ लगी मेरे को, ऑटोमेटिक होना चाहिए था। और फाइंड माय ईयरबड्स भी इसका सही काम करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो नॉइज़ कैंसिलेशन और इसका जो वेयर डिटेक्शन है वो और बेहतर हो सकता था, जो कि बहुत ही मेरे को बेकार लगा इसका। बाकी चार्जिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये 1 से 1.5 घंटे में चार्ज होता है पूरा। और बैटरी बैकअप ये आपको अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करेंगे तो ये 5 घंटे दे देगा, और इसको लाइटली यूज़ करेंगे नॉर्मली गाने वगैरह सुनेंगे तो ये आपको 6 घंटे भी पूरे बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन से ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको अच्छा एक ईयरबड चाहिए जो कि आवाज़ अच्छी आपको दे दे, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा दे दे और देखने में थोड़ा स्टाइलिश भी हो, तो ये बिल्कुल आपको इसके लिए जाना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फीचर्स और नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की तो आप इसके लिए बिल्कुल भी इसको ना लें। तब आप नथिंग के ईयरबड्स या फिर और जो गूगल बर्ड्स आते हैं गूगल के वो आप परचेज़ करें, बट ये आप ना लें। लेकिन अगर आपको आवाज़ चाहिए अच्छी और डिज़ाइन चाहिए बढ़िया और बैटरी, मैं सही बता रहा हूँ इसमें आपको बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और ईयरबड से नथिंग और गूगल बर्ड से, तो तब इस केस में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट जो इजी कूपन डील वहाँ से जाके आप लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा और इसका जो प्राइस है आपको काफ़ी कम प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में।